हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को सेमेस्टर टू, चाहे आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे आप लोग विनोद बिहारी महतो कौनचानी यूनिवर्सिटी धनबाद का हो, ठीक है, यानी कि अगर आप VBU का हो या तो फिर आप लोग BBMQ का, दोनों स्टूडेंट को आप लोगों को पढ़ना स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी कि सांख्यिकी और प्रायिकता। तो इसी से रिलेटेड आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को MCQ क्वेश्चन। डायरेक्ट हम उसी पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। हम आप लोगों को चैप्टर एक का करके नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इतना अगर चैप्टर को हम एक एक बार अगर हम पढ़ाना भी स्टार्ट किए आप लोगों को, पहले बेसिक बताएंगे फिर क्वेश्चन लाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आसान आसान चैप्टर है, ठीक है, उसका हम MCQ क्वेश्चन पहले बता देते हैं आपको, ठीक है। और जहाँ पर क्वेश्चन में डिफिकल्ट होगा उसी टाइम हम आपको वहीं पर हम बेसिक चीज़ें चर्चा करेंगे। ये नहीं कि अलग से हर चैप्टर का पहले बेसिक बताएं फिर MCQ क्वेश्चन, हम डायरेक्टली MCQ क्वेश्चन पर बात करेंगे। वैसा ही MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और जो भी दिक्कत होगा वहीं पर हम आपको सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहले वो देखेंगे जो इजी चैप्टर है, क्योंकि हो सकता है कि हार्ड पढ़ने के चक्कर में, ठीक है, सीरियल वाइज पढ़ते पढ़ते पढ़ने के चक्कर में, देखो इसमें क्या किया गया, जो फर्स्ट में है ना वो हार्ड दिया गया, लास्ट में आसान चैप्टर दिया गया, ठीक है। तो सीरियल वाइज के चक्कर में मत रहना, नहीं तो आपको हार्ड पढ़ते रह जाओगे, उसकी वजह से आप लोगों को जो आसान आसान चैप्टर है वो भी छूट जाएगा, ठीक है। तो पहले जो आसान चैप्टर उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, देन जैसे भी वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग हार्ड चैप्टर पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि आपका टोटल 15 नंबर का बनता है, ठीक है, 5 क्वेश्चन देगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से, यानी सांख्यिकी और प्रायिकता से, जो 3-3 नंबर का रहेगा, ठीक है, ये मैं VBU के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 15 नंबर के आपका बनेगा, ठीक है, और BBMQ में भी आप लोगों का इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। BBMQ में सब्जेक्टिव भी रह सकता है, ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन VBU जो यूनिवर्सिटी है विनोद बिहारी, ठीक है, हजारीबाग वाला, ठीक है, यानी कि VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका MCQ क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो वीडियो का स्टार्ट करेंगे और ये मैथ है, तो इसमें मैथ में हमको पेन के द्वारा समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं आपको कॉपी और पेन की ओर ले जाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है वो वीडियो नंबर 4 है, ठीक है, ये वीडियो नंबर मेरा 4 है। इसके पहले मैंने वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 बता दिया, नहीं देखें तो जाकर के देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया, ठीक है। तो वीडियो को आपको सीरियल वाइज देखना है, जहां तहां से नहीं देखो, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। ये हमारा सेमेस्टर 2 का है, ये हमारा यूनिट 4 से, ठीक है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका 5 क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर का रहेगा, 5 दिया 15 हो गया, ठीक है। स्पेशली वीडियो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। सांख्यिकी और प्रायिकता, हिंदी क्या होगा इसका, सांख्यिकी और प्रायिकता। तो अभी हम देखेंगे प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पहले, ठीक है, उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, ठीक है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि पहले वो चीज़ें समझा रहे जो आसान है, ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों को हार्ड वाला भी बताएंगे, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि उसको हम छोड़ देंगे। तो हम क्या बता रहे हैं, इसमें 2-2 चैप्टर है, यूनिट 4 में एक स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो हम पहले आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का हिंदी क्या होता है, प्रायिकता। इसका हम लोग देखने वाले हैं MCQ क्वेश्चन, ठीक है। इसका थोड़ा मोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। ये सब चीज़ें आपको समझना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। देखो ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, पी का मतलब होता है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, और ई का मतलब होता है इवेंट, मतलब जो घटना घटता है, ठीक है। देखो प्रायिकता होता क्या चीज़ है, जब भी कोई घटना घटता है ना तो वहीं पर हमारा प्रायिकता होता है, ठीक है। घटना घटने का मतलब हो गया उसमें कुछ, जैसे मान लो कि हम साइकिल से जा रहे हैं तो आदमी पहुंचा वहां पे या नहीं पहुंचा, ये एक प्रायिकता हो गया। अगर 2 टीम क्रिकेट खेल रहा है तो कौन सा टीम जीतेगा, ये भी एक प्रायिकता हो गया, एक घटना हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि हम एक टेस्ट दिए उसमें कितना नंबर लाएंगे, फूल में से फूल लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये भी एक घटना हो गया। तो दुनिया में जितने भी सारा चीज़ है सब में घटना छुपा हुआ है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ई इवेंट, ठीक है। तो मतलब समझा, प्रायिकता, पी का मतलब क्या होता है, प्रायिकता होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राप्त संख्या, यानी कि जितना प्राप्त संख्या है उसको ऊपर लिखना और जो कुल संख्या है उसको नीचे लिखना। मतलब नहीं समझे, देखो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। प्रायिकता का मतलब होता है पी, ठीक है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, पी होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो पी से हो गया प्रायिकता, और आपको नीचे वो संख्या लिखना है जो टोटल रहेगा, ठीक है। कौन सा लिखना है, जो टोटल रहेगा, और जो आपको प्राप्त होगा ऑब्टेंट होगा उसको लिखना है ऊपर, ठीक है। अब देखो होता क्या, मान लो कि हमने 6 बॉल खेला, ठीक है, हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। किसका प्रायिकता निकाल रहे हैं, कि मान लो एक ओवर मैंने मैच खेला, एक ओवर में 6 गेंद होता है टोटल, ठीक है। तो मैंने टोटल कितना बॉल खेला, 6 बॉल खेला, ठीक है। कितना बॉल खेला, 6 बॉल, उसमें से 4 को चौका मारा, तो जो चौका मारेंगे उसको ऊपर लिखेंगे। मतलब टोटल हमेशा नीचे लिखाएगा, और जिसका निकालने की बात होगा उसको कहाँ पे लिखना है, ऊपर लिखना है, ठीक है। मान लो कि एक सिक्का को उछालेंगे, ठीक है, तो उसका प्रायिकता निकालना है। तो आप सभी को पता है कि जब सिक्का को उछालेंगे तो 2 ही चीज़ आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 2 चीज़ आएगा, तो टोटल कितना हो गया, 2, तो उसको नीचे रखेंगे। मान लो कि आपको बोलेंगे हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो हेड कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को ऊपर लिखना है। मतलब जो प्राप्त होगा उसको ऊपर लिखना है, जिसका बात चलेगा उसको ऊपर लिखना है, और टोटल को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है।
तो वही होगी इसका फ्रैक्टा कि पी बराबर प्राप्त संख्या बटे में कुल संख्या। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या देखो, जब प्रायिकता का होने की बात आएगा तो उसका मान होता है एक, और ये देखो प्रायिकता ऊपर में ये वाला जो डैश का साइन लगा इसका मतलब था नहीं, ये प्रायिकता है इसका मान होता है एक, और प्रायिकता नहीं इसके ऊपर जो लगा ना बार का साइन इसका मतलब था नहीं, तो उसका मान होता है जीरो। मतलब अगर कहीं बोलेगा कि प्रायिकता होने की संभावना है तो उसका मान क्या होगा एक, और जो प्रायिकता होने का नहीं, ये नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है, जब प्रायिकता नहीं होने की संभावना होगा तो उसका मान क्या होता है जीरो। अब प्रायिकता होने की संभावना प्लस में प्रायिकता नहीं होने की संभावना दोनों मिलकर कितना होगा एक, क्योंकि एक और जीरो कितना होगा एक ही होगा। तो अगर पूछा जाएगा कि प्रायिकता होने की संभावना और प्रायिकता ना होने की संभावना दोनों मिलकर कितना होगा, तो एक और जीरो को जोड़ेंगे कितना होगा एक, तो ये एक हमारा क्या बन गया एक, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, कि प्रायिकता होने की संभावना प्लस में प्रायिकता नहीं होने की संभावना दोनों मिलकर कितना होगा एक होगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बस आपको इतना ही कुछ समझना है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, पहला नंबर में क्या बोल रहा है कि ऐसी घटना जो कभी नहीं घटित हो सकता है, जो कभी घटित ही नहीं हो सकता, मतलब जो घटना घटित ही नहीं हो सकता है, यानी कि एन इवेंट दैट विल नेवर बी हैपन, ठीक है, जो कभी घटित नहीं हो सकता ऐसे घटना को क्या बोलते हैं असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब तुम ही लोग बताओ, जब कोई घटना घटेगा ही नहीं तो क्या वो संभव है, नहीं है, तो जो घटना नहीं घटेगा ना उसको असंभव बोलते हैं, इम्पॉसिबल बोलते हैं। ठीक है, जो घटना नहीं घटेगा, ठीक है, और जो घटना नहीं घटेगा उसका मान कितना होता है जीरो होता है, जो घटना घटेगा उसका मान एक होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लें कि जो घटना नहीं घटित होता है उसका ये क्या होता है असंभव घटना होता है, जब वो घटना घटेगी नहीं तो हम लोग उसका वैल्यू कैसे बता पाएंगे, तो ये असंभव घटना होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। टू में क्या बोल रहा है कि यदि पी का मतलब क्या घटना है 0.07 दिया, अगर इसका मान 0.07 दिया है तो पीई नहीं, इसका मतलब क्या हो गया नहीं, तो पीई नहीं का मान निकालना। अब इसका बेस्ट तरीका आप सभी को बताएंगे। ठीक है, देखो मैंने आप सभी को बता रखा था कि जो पीई होता है उसका मान कितना होता है एक होता है, और पीई नहीं का मान कितना होता है जीरो होता है। ठीक है, अब ये दोनों में से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, या तो पी का वैल्यू दिया रहेगा या तो पी नहीं का वैल्यू दिया रहेगा, और ये क्वेश्चन लिख लो कि पक्का यही इंपॉर्टेंट आएगा तो आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, और जब भी प्रायिकता वाला क्वेश्चन में एक का वैल्यू दिया रहेगा तो सिंपल से आपको काम क्या करना है, एक में से जो दिया रहेगा उसको घटा देना। अब उसमें से ही क्यों, क्योंकि ये दोनों मिल करके अगर हम एक और जीरो को जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, तो एक में से जो वैल्यू दिया रहेगा उसको घटा देना। ठीक है, मतलब नहीं समझे, देखो हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे कितना दिया 0.07 दिया, एक का वैल्यू 0.07 दिया और दूसरा का वैल्यू निकालना है, तो एक में से हम 0.07 घटा देंगे। अगर 0.02 दिया रहता तो भी एक में ही घटा देंगे, यानी जितना भी दिया रहेगा उसको एक में ही घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा हम एक को ले लेंगे और उसमें से घटा देंगे किसको, जो एक वैल्यू दिया 0.07। ठीक है, यानी कि 0.07 घटाएंगे। अब कैसे घटाएंगे, तो देखो यहाँ पे पहले एक लिख लेते हैं, अब इसके एक के बाद इधर कुछ नहीं, तो अपने मन से पॉइंट बैठा करके हम 0.0 इधर दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसी के नीचे ए वाला लिख लेते हैं 0.07, और क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक 10 आएगा, पैचा लेगा तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ से पैचा ले लेगा इससे तो 10 होगा, एक ले लिया तो 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। पॉइंट के सामने क्या देना, पॉइंट देना। अब ये तो यहाँ पे ले लिया तो 0 बचा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, तो इसका आंसर क्या है 0.93, तो यही होगा यहाँ पे 0.93। मतलब जो भी एक वैल्यू दिया रहेगा आपका, ठीक है, वो हमेशा एक में ही घटाना है। आगे और भी क्वेश्चन आएगा जो कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर ही बात करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, यदि एक पासा को, पासा का मतलब होता है जो लूडो का गोटी हम लोग खेलते हैं जिस, ठीक है, जिसको आम चाल भाषा में हम लोग बोलते हैं लूडो का गोटी। ठीक है, यदि एक पासा को फेंका जाए तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब एक पासा को फेंका गया, एक लूडो गोटी को फेंका गया, और हमें किसका प्रायिकता निकालना, विषम संख्या। तो पहले समझो, देखो एक लूडो का गोटी इस प्रकार से रहता है, ठीक है, उसमें कितने नंबर रहते हैं, एक भी लिखा रहता है, दो भी रहता है, तीन रहता है, चार रहता है, पांच रहता है, छह तक रहता है, लास्ट छक्का तक रहता है। ठीक है, उसका सात आठ नहीं होता है। अब ये हमारा एक पासा हो गया, लूडो का गोटी को ही पासा बोलते हैं, इसमें छह तक है, उसमें से मुझे निकालना विषम संख्या। अब हम लोग जानेंगे कि विषम संख्या बोलते किसको है, तो विषम संख्या बोलते हैं जिसका जोड़ा नहीं लगता, जैसे एक विषम संख्या है, फिर दो नहीं बल्कि तीन विषम संख्या है, फिर चार नहीं बल्कि पांच विषम संख्या है, तो एक तीन पांच कौन सा संख्या हमारा विषम संख्या है, तो उसी का मुझे प्रायिकता निकालना विषम संख्या का। तो कितने विषम संख्या हो गया, पहले प्रायिकता निकालना, तो पी लिखेंगे, टोटल कितना था, एक दो तीन चार पाँच छः था, तो नीचे लिखेंगे निकालना किसका विषम का, तो विषम कितना आ जा रहा है इसमें, तीन, यानी कि एक दो तीन आदमी आ रहा है तो तीन लिखेंगे, अब काट देंगे, तीन एकम तीन हो गया, यहाँ पे तीन दोनों छः, यानी प्रायिकता कितना निकल गया मेरा, एक बटा दो निकल गया, तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बटा दो हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला कि यदि एक पासा को फेंका जाए तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि फिर से एक पासा को फेंका गया, अबर बार में तो विषम संख्या निकालना था ना, अबर कौन सा संख्या निकालना, सम संख्या निकालना था। ये सम संख्या क्या होता है सो समझो, अभी मैंने देखा था विषम संख्या एक था, तीन था, पाँच था, जिसका जोड़ा नहीं लगता है, बट सम संख्या वो था जिसका जोड़ा लगता है, जैसे दो सम संख्या है, चार सम संख्या और छः भी सम संख्या है, तो कौन कौन सा हो गया, दो हो गया, चार हो गया और छः, यानी विषम सम संख्या कितना गया, तीन को, एक दो तीन। तो हम कह सकते हैं कि प्रायिकता निकालने के लिए एक लूडो गोटी में टोटल कितना रहता है, छः रहता है, उसमें से मुझे निकालना सम संख्या का, तो सम संख्या कितना जा रहा है इसमें से, दो चार छः, यानी कि एक ये, एक ये और एक, यानी कितना हो गया, एक दो तीन, तो ऊपर में कितना लिख देना है, मेरे को तीन लिख देना है। अब काटेंगे तो यहाँ एक और यहाँ दो आएगा, यानी कि इसका भी आंसर कितना जाएगा, एक बटा दो। तो जब विषम संख्या बोलेगा तब भी एक बटा दो आंसर होगा, जब सम संख्या बोलेगा तब भी एक बटा दो होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर पाँचवा में क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा में बोल रहा है कि दो सिक्कों को उछालने पर दो पट आने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, दो सिक्कों को उछालने पर दो बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अब देखो इसको बनाना कैसे, यहाँ पे बोला गया कि दो सिक्कों को उछालने पर, तो जब भी दो सिक्कों को उछालेंगे ना तो क्या क्या आता है, सो देखो, या तो दोनों सिक्का में हेड हेड आ जाएगा, या तो दोनों सिक्का में टेल टेल आ जाएगा, या तो एक सिक्का में हेड आएगा एक सिक्का में टेल आएगा, या तो फिर हो सकता है कि एक सिक्का में टेल आ जाए और दूसरे सिक्का में हेड आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब भी दो सिक्का को उछालने की बात आएगा तो यही चार कंडीशन बनेगा, हेड हेड, या तो फिर टेल टेल, या तो फिर हेड टेल, या तो टेल हेड, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, चार ही कंडीशन आ सकता है, एक पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, या तो चौथा कंडीशन, इसके अलावा पांचवा कंडीशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दो सिक्का में क्या आने पर मुझे प्रायिकता निकालना, दो पट, तो पट को क्या बोलते हैं, टेल, तो दो टेल किस में आ रहा है, टेल मतलब टी, तो दो टेल किस में आ रहा है, दो टी इसमें आ रहा है, और कहीं दो टी है क्या, नहीं आ रहा है, हमें क्या निकालना है, दो पट का, दो टेल का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि जब दो सिक्का को उछाला जाएगा तो चार कंडीशन बनेगा, उसमें से मुझे निकालना दो पट का, तो दो पट कितना बार में आ रहा है, एक ही बॉक्स में आ रहा है दो पट, है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रायिकता टोटल कितना आ रहा है, एक दो तीन चार, तो नीचे चार लिखेंगे, लेकिन दो पट का मुझे निकालना है, दो पट का, तो दो पट एक ही बॉक्स में आ रहा है, सिर्फ एक ही बॉक्स में, तो एक बटा चार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बटा चार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, कौन कौन सा किसकी घटना नहीं हो सकता है, तो ध्यान देना इधर, यहाँ पे देखो इसका आंसर, इसका ऑप्शन जरूरी था तो मैंने ऑप्शन लिखा, तो ध्यान देना, उसी का प्रायिकता नहीं होता है जो माइनस में रहता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो उसी का घटना नहीं होता है जो माइनस में रहता है, अगर कहीं भी कोई भी चीज़ माइनस में है ना, तो जो चीज़ माइनस में रहता है उसका प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसका घटना हो ही नहीं सकता, उसका प्रायिकता निकल ही नहीं सकता है, तो ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा ये बोला, यानी कि इसी का जो घटना है, इसी का घटना संभव नहीं है, इसका घटित नहीं हो सकता है, इसका प्रायिकता नहीं निकल सकता क्योंकि माइनस में दिया गया। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं सेवन नंबर, एक सिक्के को तीन बार उछाला जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चीत प्राप्त हो। अब एक सिक्के को कितना बार उछाला गया, तो तीन बार उछालने की बात हो रहा है, जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाएगा तो क्या क्या आता है, हेड हेड टेल टेल, या तो हेड टेल या तो टेल, लेकिन जब एक सिक्के को तीन बार उछाला जाएगा तब क्या कंडीशन बनता है सो देखते हैं। ठीक है, देखो, तो जब एक तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो ये आठ कंडीशन बनता है, या तो हेड हेड आएगा तीनों में, या तो तीनों में टेल टेल आएगा, या तो दो में हेड आएगा और तीसरा में टेल आएगा, या तो टेल टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल हेड आएगा, या तो टेल हेड टेल, या तो टेल हेड हेड, या तो फिर हेड टेल टेल आएगा। मतलब ध्यान रखना मैच नहीं करना चाहिए, तीन सिक्का है तो तीन तीन चीज़ आपको लिखना है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, बट मैच कोई भी नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो टोटल आठ हो गया। ठीक है, ये टोटल का टोटल मिला के कितना हो गया, आठ हो गया। उसमें से मुझे कितना निकालना कि कम से कम एक चीत हो, तो चीत को क्या बोलते हैं, हेड, कि कम से कम एक गो हेड हो, तो एक गो हेड का बात कर रहा है, तो एक गो हेड किस किस में आ रहा है, देखो एक गो हेड इसमें भी है, भला इसमें तीन गो हेड है, लेकिन मुझे एक हेड चाहिए सिर्फ, तो एक गो हेड है कि नहीं है, बिल्कुल इसमें भी एक हेड है, इसमें भी हेड मिल रहा है, इसमें भी हेड मिल रहा है, इसमें बोलेगा कि दो हेड है, तो दो हेड है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक हेड इसको चाहिए, कम से कम एक हेड चाहिए। ठीक है, एक हेड इसमें भी 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 है, तो हम लिखेंगे प्रायिकता टोटल कितना यहाँ से यहाँ तक, टोटल आठ है, लेकिन मुझे कितना निकालना जिसमें से केवल एक हेड हो, तो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात गो में से ऐसा है जिसमें एक का को हेड मिल रहा है, आठ गो में से सात गो ऐसा है जिसमें एक का हेड मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सात बटा आठ हो जाएगा, जो कि सात बटा आठ है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 में कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, यानी कि जो असंभव घटना होगा, तो मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा था जो असंभव घटना होता है, जिसका घटना हो ही नहीं सकता है, नहीं होता, वो जीरो होता है उसका वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी घटना जो घटित नहीं हो सकता किसी भी असंभव घटना की क्या होता है मान, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर की बात करते हैं कि 52 पत्तों की गड्ढी से इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। देखो यार यहाँ पत्ता से रिलेटेड आ गया, 52 पत्ता मतलब क्या होता है, ताश, ताश का नाम सुने आप लोग, ताश पत्ता में टोटल 52 को पत्ता होता है, ठीक है। अब 52 पत्ता में से इसमें 13 को एक अलग ग्रुप रहता है, 13 को अलग ग्रुप रहता है, 13 अलग ग्रुप, 13 अलग ग्रुप, तो 13 26 39 52 हो गया ना पत्ता। 52 को चार घर में बांटा जाता है 13 13 करके, ठीक है। और 13 घर में एक इक्का रहता है, फिर इस वाले घर में भी एक इक्का रहता है, एक को ही बोलते हैं इक्का, ठीक है। और इस वाले घर में भी एक इक्का रहता है, इस वाले भी घर में एक इक्का रहता है। तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमको प्रायिकता निकालना, टोटल कितना पत्ता होता है, 52 होता है, उसमें से टोटल में इक्का कितना होता है, तो एक इक्का इसमें, एक इक्का इस घर में, एक इक्का इसमें, एक इक्का, यानी कि टोटल चार इक्का होता है, तो ऊपर चार लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं समझे तो ऐसा समझो, टोटल 52 पत्ता होता है जिसमें से चार को इक्का रहता है, ठीक है। जो आप ताश का पत्ता खरीदते हैं ना उसमें टोटल 52 पत्ता रहता है, और उसमें से इक्का कितना रहता है, चार को रहता है, तो चार को ऊपर लिख देंगे क्योंकि इक्का का निकालना प्रायिकता, और 52 नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो चार एकम चार हो जाएगा, और 52 चार को 52 कितना बार में काटेगा, तो ये हमारा 13 बार में काटेगा, यानी कि 1/13 ज्ञान सा, तो इसका 1/13 हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं बहुत जल्द सभी का वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जो इसके पहले मैंने बताया था, यदि ये खेल जीतने की संभावना 0.3 है तो खेल हारने की संभावना क्या होगा। आपको उतना कुछ नहीं देखना, ये का वैल्यू 0.3 दिया कि नहीं, और ये प्रायिकता की बात है, कैसे समझेंगे प्रायिकता, क्योंकि संभावना लगाया गया, संभावना उसी को बोलते हैं, प्रायिकता को ही, प्रोबेबिलिटी को ही बोलते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी को। तो करना क्या, हम बार बार बोले थे कि जो एक का मान दिया रहेगा उसको एक में से घटा देना, तो एक में से घटा देंगे 0.3, तो एक कि इधर कुछ नहीं तो पॉइंट में जीरो लगा दो अपने मन से, और इसको यहाँ पे घटा दो 0.3 को। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो पैचा लगा, तो 10 में से 3 जगह कितना जगह 7 बचेगा, 10 में से 3 जगह 7 बचेगा, एक था यहाँ पे ले लिया, क्या बचा 0, 0 में से 0 जगह 0, और पॉइंट के सामने क्या लगा ना पॉइंट 0.7, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भी वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।